नमस्कार दोस्तों, नॉलेज आईक्यू टीवी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। आई एंडोर्स व्यूज ऑफ श्रीनिवादन बद्री। दोस्तों, ये जो कंटेंट और जो जो बताया है वो मिस्टर देवाशीष मुखर्जी महाशय ने बताया है। उन्होंने बताया है AIBRF should not be allowed to intervene the abduction case the Supreme Court। AIBRF का जो जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर SC जैन, वो बहुत डाटी गेम खेल रहा है इस अपडेशन केस को लेकर। और कोलकाता का हाई कोर्ट जो अगेंस्ट है 100% DA यूटिलाइजेशन को लेके, उसके बारे में जो नवंबर 2002 रिटायरीज का जो केस है IBA का, बट आफ्टर कोलकाता ऑनरेबल हाई कोर्ट फेवरेबल जजमेंट फॉर द UBI REWA सेम मिस्टर SC जैन वेंट हॉस्टाइल एंड इंस्ट्रक्टेड UBI REWA GS मिस्टर देवेश भट्टाचार्य नॉट टू इंस्टीट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोलकाता हाईकोर्ट जजमेंट। एंड कोलकाता हाईकोर्ट जजमेंट एंड द जजमेंट रिमेन्ड नॉन इम्प्लीमेंटेड फॉर 2 years इन कोलकाता हाईकोर्ट। The UBI REWA was completed to give undertaking in the Kolkata High Court that UBI REWA would not file any contentment petition non-implementation of the judgment. There was a sinister plot by the vested alliance of the IPA, UFU, AIBRF, CVPRO against payment of 100% DA utilization benefit to November 2022 retirees who still remained from the benefit since May 2005. तो जो बात है दोस्तों, AIBRF का जो जनरल सेक्रेटरी है वो ठीक काम नहीं कर रहे हमारे 100% DA यूटिलाइजेशन को लेके। और इसी बीच मिस्टर देवाशीष मुखर्जी महाशय ने बोला जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है सिंस मे 2005 से। तो सब रिटायरीज अभी अपने जो गुस्सा है, अपने जो डिमांड है, वो एक एक करके बता रहे हैं। जो भी है दोस्तों, अभी तक पेंडिंग है, क्या होता है, क्या 2016 में जो केरला हाई कोर्ट में जो पेंशन अपडेशन का केस है उसमें हम लोगों को क्या जीत मिल सकता है, आप ही देख सकते हो। प्लीज कमेंट में बताइए। थैंक यू।